दोस्तों, मैं घनश्याम चौरसिया जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, चिकन करी। चिकन करी दोस्तों आपने कई बार बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन दोस्तों हम कम से कम मसालों में सबसे बेस्ट रेसिपी आपको बनाना बताएंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं चिकन करी बनाना। दोस्तों हमने ये 1 किलो चिकन लेकर आए हैं और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हमने 4 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और इसमें हमने जीरे का तड़का लगा दिया और साथ में हमने 2 तेज़पान डाले हैं। और दोस्तों ये कुछ खड़ा मसाला है जिसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, जावित्री और जायफल का पाउडर हमने इसमें डाला है। और दोस्तों हम थोड़ी सी मेथी डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब। और दोस्तों ये देखिए हमारा ये मसाला भुन चुका है और अब हम इसमें डालते हैं प्याज। दोस्तों हमने 4 बड़े प्याज लिए हैं और उनका अपने पेस्ट बना लिया है और उसको हमने इसमें डाल दिया। दोस्तों प्याज भुन चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोस्तों हमने लगभग 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाला है। वही देखिए दोस्तों ये सभी मसाले अच्छे से भुना रहे हैं। जब ये अच्छे से भुना जाएंगे तब हम डालेंगे लाल मिर्च, धनिया और हल्दी। दोस्तों हमने 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च लिए और 4 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसे पानी में हमने भिगो लिया। इसके बाद हमने इसमें डाला है, इससे मसाले जलेंगे नहीं, पानी भिगो के डालना चाहिए। और दोस्तों ये देखिए मसाले को अच्छे से एकदम भून लेना है, तब तक भुनेगी जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाए, तब तक भूनते रहिएगा। आप देख ही रहे होंगे मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। जितना मसाला आप अच्छा भुनेंगे आपकी सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। और दोस्तों अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। आप चाहें तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं, मैंने तो इन्हें पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। अब दोस्तों इस टमाटर डालने के बाद आप कम से कम 3 से 4 मिनट इसे कंटिन्यू ऐसे भूनते रहें ताकि टमाटर पूरी तरह से अच्छे से पक जाए मसाले में, तभी हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। और दोस्तों आप इसमें हम डाल देते हैं नमक, अभी तक हमने नमक नहीं डाला था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, आपको कम लगता है तो कम या ज़्यादा तो ज़्यादा। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चिकन। दोस्तों हमने इन्हें बिना मैरिनेट किए ही इन्हें बना रहे हैं और फिर भी हमारी ये रेसिपी बहुत ही गजब और टेस्टी बनने वाली है, ये देखिए। और जब भी आप चिकन लेके आए एकदम ताज़ा फ्रेश लेके आए। और ये देखिए आप इसे चम्मच की सहायता से इस तरीके से मसाले में अच्छे से मिला दें। और दोस्तों ये चिकन पूरी तरह से हम इसे मसाले में ही पकाएंगे और लगभग 10 से 15 मिनट तक यूँ ही हम इसे चलाते रहेंगे और इसी में ये पकेगा, तभी हमारा चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब दोस्तों हम इसे ढकेंगे और इसके बाद ये देखिए ये 5 मिनट के बाद इस तरीके से हो गया है, ये आधा तो पक चुका है। और दोस्तों आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद में आप इसे इस तरीके से चलाते रहें, बहुत ही अच्छे से आपका ये चिकन पकेगा। ये देखिए दोस्तों 10 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, और इसे हमने भून के रख ली थी और इससे बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है। हमने कसूरी मेथी डाल दी है, कसूरी मेथी डल चुकी है। और दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे पानी। दोस्तों आपको इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालें। जब भी आप बनाएं, मटन बनाएं, चिकन बनाएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे जो भी हमारा मटन है, चिकन एकदम सॉफ्ट बनता है। अब दोस्तों हमने तेज़पान का पत्ता भी निकाल के फेंक दिया है, इसकी वजह ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार ये हमारी चिकन करी दिख रही है। और दोस्तों इसे अब हम 15 से 20 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। और दोस्तों अभी हम डाल देते हैं गरम मसाला, पिसा गरम मसाला है हमने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद अब इसे ढक देंगे और हम इसे पकाएंगे 15-20 मिनट तक। और अब हो चुके हैं 20 मिनट, ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार
खुशबू आ रही है और ये हमारी चिकन करी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। और अब इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया और इसे हमने चला दिया है। दोस्तों आप चाहे तो इसकी ग्रेवी कम कर सकते हैं, उसे 2 मिनट और उबाल ले और पानी कम हो जाएगा, लेकिन हम तो इतनी ग्रेवी रखेंगे। ये देखिए एकदम शानदार, आप चाहें चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसा भी खाना चाहें इसे खाएं। और दोस्तों इसे हमने ढक दिया है और कर देते हैं हम गैस को बंद, और अब हम आपको सर्व करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार हमारी चिकन करी बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों यदि अभी आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।